मुंबई के बीचों बीच एक परंपरा खामोशी से खड़ी है, आध्यात्मिकता, प्रकृति और समुदाय की जड़ों से जुड़ी। पारसी समुदाय का टॉवर ऑफ साइलेंस, जिसे दखमा कहा जाता है, वह पवित्र स्थल है जहां आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। रतन टाटा जैसे प्रभावशाली व्यक्ति, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनकी विरासत पारसी धर्म से गहराई से जुड़ी है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवार टाटा परिवार पारसी समुदाय का अभिन्न हिस्सा रहा है और इन परंपराओं का पालन करता आया है। पारसी कैसे करते हैं शव का अंतिम संस्कार? पारसी लोग न हिंदुओं की तरह न जलाते हैं और न मुस्लिमों की तरह दफनाते हैं। उनकी प्रथा दोनों से अलग है। दरअसल इस समुदाय का मानना है कि इंसानी शरीर प्रकृति का दिया वह तोहफा है, जिसे मौत के बाद उसे वापस लौटाना होता है। पूरी दुनिया में पारसी समुदाय इसी भावना के साथ मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। मृत शरीर को टॉवर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध के हवाले कर दिया जाता है। क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस यानी कि प्रकृति की गोद में। पारसी समुदाय के लोग अपनों के मृत शरीर को इसी प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। इसे ये लोग दखमा कहते हैं। इस समुदाय में ये प्रथा सदियों पुरानी है। टावर ऑफ साइलेंस में इस मृत शरीर को गिद्ध खा जाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के पारसी अंतिम संस्कार की इस प्रथा को बहुत ज्यादा नहीं मानते। गिद्धों की संख्या घटने के साथ ही टावर ऑफ साइलेंस एक और चुनौती का सामना कर रहे हैं, शहरीकरण। मुंबई के तेजी से बढ़ते शहरी विकास ने इन पवित्र स्थलों को घेर लिया है, जिससे उनकी पवित्रता और एकांत कम हो गया है। जानकारी के मुताबिक रतन टाटा का दाह संस्कार पारसी नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से, यानी कि जलाकर किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में किया जाएगा।